सो हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूज के बारे में। फ्यूज हम सब देखे हैं, जहाँ पर भी जाए आप, ये हमारा घर में भी है और इंडस्ट्रियल में जहाँ भी देखे हम फ्यूज देखा होगा। तो ये फ्यूज होता क्या है, कैसे काम करता है, और फ्यूज तो काम तो कैसे करता है पता नहीं, प्रॉपर रीजन आपको पता नहीं कि कैसे काम करता है और फ्यूज में क्या लगता है, कौन सा एलिमेंट लगता है, कैसे काम करता है, उसका टाइप्स, और हमारा घर के लिए कौन सा फ्यूज सही है, इस सारे के बारे में बात करें। तो आज का वीडियो में पहले चलिए फ्यूज के बारे में बात करते हैं। तो ठीक है, तो पहले ये जो फ्यूज एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है, आपको किसी भी इंटरव्यू पूछ सकता है कि व्हाट इज फ्यूज। तो आपको उसके लिए बोलना है कि सर, फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस यूज फॉर प्रपोज ऑफ रोटेटिंग ए सर्किट अगेंस्ट एक्सेसिव करंट। मतलब फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है सर, कि जो एक्सेसिव करंट से हमारा किसी भी मशीनरी को, ये हमारा किसी भी एलिमेंट किसी भी मशीनरी को ये हमारा प्रोटेक्शन देता है, चाहे यह इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हो या कभी कभी ये ह्यूमन सेफ्टी के लिए भी काम में आता है। ठीक है, तो दूसरे बात में हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि सर, ये फ्यूज ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्ट सर्किट फ्रॉम ओवर करेंट ओवरलोड एंड मेक श्योर प्रोटेक्शन ऑफ द सर्किट। ये क्या होता है, फ्यूज होता है जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस मतलब डिवाइस होता है, जो कि हमारा ओवरलोड और ओवर करंट से हमारा सारी एलिमेंट को, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को, ये प्रोटेक्ट देता है। उसके बाद ये मेक श्योर करता है कि हमारा जो सर्किट है वो प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो ये था फ्यूज के बारे में। तो फ्यूज के बारे में तो आपको बता दिया, तो आपको बता दें फ्यूज कौन सा एलिमेंट में बनाया जाता है। फ्यूज मेनली हमारा जो लो रेजिस्टिव मटेरियल में यूज किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। और फ्यूज हमारा जो सर्किट रहता है, वो सर्किट में हमारा फ्यूज सीरीज में रहता है, क्योंकि जो फ्यूज है वो एक्चुअली हमारा लो रेजिस्टेंस एलिमेंट में बनाया जाता है, इसलिए इसके वजह से हमारे सर्किट में कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो कैसे होता है, मान लीजिए आप यहाँ पर एक लाइट लगाया है, ठीक है, तो इसको हमारा फ्यूज के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये हमारा फ्यूज है। ठीक है, ऐसा रहता है फ्यूज, और ये फेज रहता है और ये न्यूट्रल रहता है, ये हमारा लैंप है। तो ये क्या है ना, फ्यूज ये जो फ्यूज है ये हमारा सर्किट के साथ सीरीज में रहता है। हमेशा याद रखिए, फ्यूज होता है हमारा लाइन वन लाइन टू लाइन थ्री, मतलब जो हमारा थ्री फेज करंट होगा तो L1 L2 L3, या जो सिंगल फेज करंट होगा मतलब सिंगल फेज सप्लाई होगा तो वहाँ पर सिर्फ फेज में ही फ्यूज कनेक्ट होता है। फ्यूज को हम कभी न्यूट्रल या हम अर्थिंग में कनेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, फ्यूज का आप फ्यूज का आप कई सारे सिंबल देखे होंगे, ऐसा तो ऐसा भी है फ्यूज का सिंबल है, और आपको ऐसा भी फ्यूज सिंबल देखा होगा। ठीक है, ऐसा भी फ्यूज सिंबल देखा होगा। दूसरी बात, आप ऐसा भी फ्यूज सिंगल देखा होगा, ये भी एक टाइप का फ्यूज सिंगल है, और इसके बाद ऐसा भी फ्यूज सिंगल आपने देखा होगा, और एक टाइप का भी है जो कि हमारा, ठीक है, तो ये भी एक फ्यूज सिंबल होता है। ठीक है, तो ये टाइप का फ्यूज सिंबल आपको देखा होगा। तो फ्यूज में हमारा तीन मेन एलिमेंट को लेकर तैयार मतलब तैयार किया जाता है। उसमें पहला आता है हमारा फ्यूज एलिमेंट। ठीक है, फ्यूज एलिमेंट एलिमेंट, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा फ्यूज कैरियर। फ्यूज कैरियर कैरियर, और तीसरा होता है हमारा फ्यूज बेस। जो फ्यूज एलिमेंट होता है हमारा मेनली ये बहुत ही मतलब लो रेजिस्टिव का होता है, ये हमारा सर्किट को ओपन और क्लोज में काम करता है, मतलब ये खुद जब पर हाई वोल्टेज हो मतलब हाई करंट फ्लो करेगा तो या शॉर्ट सर्किट होगा, ये ऑटोमेटिक मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो और जो हमारा ये फ्यूज कैरियर होता है, वो फ्यूज कैरियर क्या होता है, वो रिमूवेबल पार्ट होता है फ्यूज का, जहाँ पर हमारा फ्यूज एलिमेंट लगता है। और ये फ्यूज बेस होता है, वो फिक्स्ड पार्ट होता है, जहाँ पर हमारा ये फ्यूज कैरियर को फ्यूज एलिमेंट के साथ लगाया जाता है। तो ये था एक्चुअली हमारा फ्यूज के डिटेल्स मतलब पार्ट्स हैं। जो हमारा फ्यूज एलिमेंट होता है वो मेनली हमारा टिन एडी कॉपर वायर लीड एंड टिन एलॉय के साथ बनाया जाता है। अभी हम बात करेंगे फ्यूज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जैसे कि हमारा करंट रेटिंग फ्यूज का, फ्यूजिंग करंट क्या होता है, कट ऑफ फैक्टर क्या होता है, और फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, इस चारों चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज ये तीनों है करंट रेटिंग। करंट रेटिंग क्या होता है, करंट रेटिंग एक्चुअली जो हमारा मैक्सिमम सेफ करंट होता है जो हमारा सर्किट में पास करता है कंटिन्यूसली विथआउट ओवर हीटिंग, मतलब ओवर हीटिंग के बिना सेफ करंट होता है जो हमारा कंटिन्यूसली हमारे सर्किट में पास होता है, सफाई होता है। उसके बाद फ्यूजिंग करंट, फ्यूजिंग करंट ये होता है एक मैक्सिमम करंट होता है जिस करंट के जाने के बाद मतलब जो मैक्सिमम करंट है जहाँ पर हमारा जो फ्यूज ब्लो हो जाता है और मेल्ट हो जाता है। ठीक है, होके हमारे सर्किट को कट ऑफ कर देता है और ओपन कर देता है। उसके बाद कट ऑफ फैक्टर, कट ऑफ फैक्टर होता है मैक्सिमम टाइम
एक टाइम पीरियड होता है जहाँ पर हमारा ओवरहीटिंग या ओवरलोड होने के बाद या ओवर करंट फ्लो करने के बाद किसी भी फ्यूज का ऊपर वो कितना टाइम लेता है फ्यूज को कटअप करने के या ओपन करने के, वो होता है हमारा कटअप फैक्टर। उसके बाद हमारा आ गया फ्यूजिंग फैक्टर। जो हमारा फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो हमारा मिनिमम फ्यूजिंग करंट डिवाइडेड बाय रेटेड करंट होता है। फ्यूजिंग फैक्टर हमारा एक्चुअली जो हमारा रिवर्बल फ्यूज रहता है उसमें बिटवीन मतलब 1.4 से लेकर 1.7 तक होता है, कभी कभी ये 2.0 तक चला जाता है। लेकिन जो हमारा HRC फ्यूज रहता है वहाँ पर हमारा फ्यूजिंग फैक्टर 1.1 रहता है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो फ्यूज के बारे में। तो मैं हमारा घर के लिए कौन सा सी फ्यूज कैसे हम कैलकुलेशन करें उसका वीडियो भी मैं बनाया है, इसमें इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चाहे तो उसे देख लीजिए। ठीक है, तो अभी फटाफट से आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल करके उनको दबा दीजिए।